अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लुरिन कैलीग्राफी। तो गाइस, इससे पहले हमने सबक नंबर 20 कबीर का जो एक दोहा था हमने वो किया था। अभी एक और जो लास्ट रह गया है, डॉक्टर शाहिद मीर का दोहा रह गया है, इसको आज हम समझेंगे। इससे पहले हमने सब क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अभी लास्ट चैप्टर का लास्ट दोहा रह गया है जिसको आज हम समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके बाद हमारी ये पूरी जो बुक है कम्प्लीट हो जाएगी। और कुछ ये जो लास्ट है दोहा है इसको आप समझ लेते हैं। और आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 20 दोहा। फर्स्ट है, पंख समेटे किस लिए ओ पंछी नादा, उड़ने से आकाश में है तेरी पहचान। इसमें जो शायर है, अब इसके जो शायर है वो कौन है, डॉक्टर शाहिद मीर। उसमें ये क्या कह रहे हैं कि इस दोहे का मतलब है कि शायद मीर परिंदे को नसीहत करते हुए कहते हैं कि ए परिंदे, अगर तू अपने पंखों को समेटकर घोंसले में बैठ जाएगा तो तेरी पहचान खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक पंछी की जो पहचान होती है, परिंदे की जो पहचान है, वो किससे होती है, उसके उड़ने से होती है। अगर वो पंख समेट कर अपने घोंसले में बैठ जाएगा तो तेरी जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। शायर मुल्क के नौजवानों को इसमें कह रहे हैं कि ए नौजवानों, ये वक्त अपने घरों में बैठने का नहीं है। अब जिसमें शायर है वो परिंदे से किसको मुखातिब कर रहे हैं, नौजवानों को, और उनसे कह रहे हैं कि ये वक्त घरों में बैठने का नहीं है, बल्कि बाहर निकल कर मेहनत करने का है, ताकि दुनिया में तुम्हारा और तुम्हारे मुल्क का नाम रोशन हो, और तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी अलग एक पहचान हो। तो इसमें शायर कह रहे हैं कि पंख समेटे किस लिए वो पंछी नादान, की पंछी की पंख जो परिंदा होता है उसकी पहचान किससे होती है, उसके उड़ने से होती है। इसी तरह शायर इसमें जो नौजवान है उनको मुखातिब कर रहे हैं कि घर में बैठने का टाइम नहीं है, बल्कि निकलो और मेहनत करो, काम करो और अपना एक नाम बनाओ, अपना एक मुकाम बनाओ। सेकेंड है, कम पर अच्छा बोलना इसमें है सम्मान। कम पर अच्छा बोलना, इससे क्या समझ में आ रहा है, मैं कम बोलूं लेकिन अच्छा बोलूं, इसमें हमें क्या मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, हमें इज्जत मिलती है। यकीन ना हो तो देख लो गालिब का दीवान, अगर इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो क्या देख लो, गालिब का दीवान देख लो। गालिब का जो दीवान है, गालिब ने जितने भी वो खत लिखते थे या जो भी जितने भी उन्होंने शायरी करी, उन्होंने कम बात, कम लंबी चौड़ी बात को कम लफ्ज़ों में बयां किया। उनकी खासियत ये भी थी कि उन्होंने बहुत तवील बातों को कम लफ्ज़ों में ढालकर उन्होंने शेर कहे। इनके उनके जो शेर होते थे, उनके शेर का मीनिंग बहुत बड़ा होता था, लेकिन उनके शेर जो होते थे बहुत छोटे होते थे, लेकिन बहुत मायने वाले होते थे। तो कम पर अच्छा बोलना, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, इसमें क्या होता है, सम्मान मिलता है। अगर यकीन नहीं होता तो किसको देख लो, आप गालिब के दीवान को देख लो, गालिब की शायरी को उठाकर देख लो। उन्होंने कम बात कही है, कम लफ्जों में अपनी बात कही है, लेकिन बहुत अच्छी बात कही है। तातीले रुखसत, तातीले मीन्स क्या होता है, छुट्टी है, रुखसत। तातीले रुखसत हुई, खुले सभी स्कूल, सड़कों पर खिलने लगे प्यारे प्यारे फूल। तो तातील मीन्स क्या होता है, छुट्टियाँ, छुट्टियाँ क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, और जितने भी सभी स्कूल्स हैं वो क्या हैं, वो खुल गए हैं। और सड़कों पर शायर ने जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसको क्या चीज़ कहा है कि ऐसा लगता है कि सड़कों पर प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। कि जब बच्चे स्कूल जाते होते हैं तो वो उनको कैसे लगते हैं, जैसे कि सड़कों पर प्यारे प्यारे से फूल खिल गए हों। ब्लास शेर है, माँ की जिसने ली दुआ बाप का आशीर्वाद, चांद सितारों से रहा उसका घर आबाद। अब जो लास्ट शेर है उसमें शायर क्या कह रहे हैं कि जिसने भी अपने माँ बाप की दुआ ली है उनका क्या है, घर चांद सितारों की तरह रोशन है। इसलिए हमें कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा हमें उनकी फर्मबरदारी करना चाहिए और उनसे जितना हो सके दुआ लेनी चाहिए, क्योंकि यही दुआ होती है जो हमारी आगे वाली आने वाली ज़िंदगी में रोशनी का काम करती हैं। जिस तरह चांद सितारे अंधेरी रात में मुसाफिर को रास्ता दिखाते हैं, इसी तरह जो माँ बाप की दुआ होती है वो एक बच्चे के लिए रोशनी की तरह होती है, जो अंधेरे में चमकती हुई रोशनी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी इसके इजीली कर सकेंगे। तो चलिए, हम इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।